दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए एक कहानी हम सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है दो बच्चों की कहानी। दो बच्चों की कहानी यह तू नहीं कर पाएगा, क्यों पढ़े? मुझे यह काम कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। दो बच्चों की अविश्वसनीय प्रेरक कहानी है यह। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते, उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते? आइए इस छोटी सी कहानी से इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लग गई और वे थक भी गए थे। पास ही एक कुआं था, आसपास किसी के न होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के पास जाना पड़ा, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी के पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया और छटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब ये दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीजें हुई। अब कहानी में मजे की बात यह है कि जब ये दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया, उनको सब रहीम चाचा कहते थे। उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात अवश्य होगी, जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया, सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और फिर वे बोले इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था, उसे वहां यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें
उनका जवाब मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की यह सीख मिलती है कि आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए, इससे साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। आपको बस यह करना है। पहला, रोज सोने से पहले कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है, जैसे आज आप लिखोगे। दूसरा, जो लिखा है उसे पूरा करने की कोशिश करो और फिर रात को कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। ऐसा सफल लोग हर रोज करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकें। तीसरा, ऊपर की यह दो बातें याद रखना, कल क्या करना है कॉपी में लिखो और जो लिखा है उसे पूरा करो। चौथा, अपने सुझाव और सवाल मुझे अवश्य कमेंट में करके बताएं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक तथा शेयर कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।